गाइस आज के टाइम पे ना जाने कितने सारे नए फ्री फायर प्लेयर आते हैं, नए फ्री फायर यूट्यूबर भी आते हैं, लेकिन जो बात पुराने फ्री फायर के यूट्यूबर्स में थी, जो बात पुराने फ्री फायर के प्लेयर्स में थी, वो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी अगर आप एक नए फ्री फायर के यूट्यूबर या फिर प्लेयर हो। क्योंकि गाइस पहले के टाइम पे गरेना फ्री फायर में ऐसे ऐसी चीजें हुआ करती थी जो कि आज के टाइम पे नए प्लेयर सोच भी नहीं सकते। तो गाइस इस चीज को बताने के लिए मैं हूं ना, बट सैडली आज के इस वीडियो में जिन प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं उन प्लेयर्स में जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने फ्री फायर को छोड़ दिया, एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि भाई यूट्यूब से अपना नाम कमाए थे लेकिन उन्होंने यूट्यूब को भी ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट सा कर दिया है। डीएक्टिवेट से मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब ने उनको फेम दिया है, यूट्यूब ने उसको सब कुछ दिया है, बट इसके पीछे रीजन क्या है, चलो आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर अगर आप एक ओल्ड फ्री फायर प्लेयर हो आज से 4 साल पहले खेलने वाले या फिर 3 साल पहले खेलने वाले भी, तो आपके आंखें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नमी हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही लेजेंड्स नहीं कहा जा रहा था। इन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिस वजह से इन्हें लोग लेजेंड कहने में मजबूर हो जाते थे। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 5 से। अब गाइस पहले के टाइम पे अगर कोई मोबाइल प्लेयर हुआ करता था तो उसका सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्पिरेशन हुआ करता था, या तो इंडिया में राइस्टार या तो फॉरेन कंट्री में एमेटेन। वैसे तो हमने रिसेंटली राइस्टार के बारे में कई बार बात कर रखी है लेकिन हमने रिसेंटली एमेटेन के बारे में बात नहीं की है। अब जो नए फ्री फायर प्लेयर है उनको एमेटेन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, तो शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ कि एमेटेन कौन सी बला है। ये बंदा पहले एक मोबाइल प्लेयर था एंड मोबाइल में इसका गेम प्ले इतना ज्यादा बेहतर था कि बहुत से पीसी प्लेयर इसके सामने हक दिया करते थे, और इस बंदे को मोबाइल का हैकर भी कहा जाया करता था पहले। आज के टाइम में भी लोग कहते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बंदे का गेम प्ले आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, क्या आप मानोगे कि ये गेम प्ले आज से 3 साल पहले का है? भाई 3 साल पहले तो मुझे ढंग से ग्लूवल लगाना भी नहीं आया करता था, लेकिन इस बंदे को देखो, ये बंदा तो वन टैप मारे जाता है, और इसके लिए एक स्क्वाड को वाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर गाइस कुछ टाइम बाद इस बंदे ने पीसी में भी खेलना शुरू किया था। अब गाइस पीसी में खेलना इसने शुरू इसलिए किया था क्योंकि पब्लिक डिमांड थी कि भाई तुम एक बार पीसी में खेल के देखो। अब आप मानोगे नहीं, ये बंदा पीसी में भी बहुत ही चुम्मा खेलता रहा, बहुत ही स्मूथ हेडशॉट मारता था, ओल्ड पीसी के लेजेंड्स लाइक विंसेंजो बीएनएल इनको भी बहुत कड़ी टक्कर देता था। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस मोबाइल गेम प्ले से बनी है तो आपका ऑडियंस ज्यादा दिन तक पीसी गेम प्ले नहीं देखेगी। ये बंदा उस चीज को समझ गया था और फिर इस बंदे ने फिर से मोबाइल में गेम प्ले करना शुरू किया, लेकिन गड़बड़ ये हो गई, मोबाइल और पीसी में एक साथ खेलने की वजह से ये कहीं का नहीं बचा। आज के टाइम पे इसके चैनल पे बहुत कम वीडियो आती है, लेटेस्ट वीडियो 1 महीने पहले आई थी और उससे पहले 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले। नो डाउट यार फ्री फायर का क्रेज खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बंदा पीसी मोबाइल को एक साथ खेलने के चक्कर में खुद ही हक दिया। क्योंकि आप मानो या ना मानो, मैं भी पीसी पे खेलता हूँ, मैं भी मोबाइल में खेलता हूँ। जब मैं पीसी में खेल के मोबाइल में आता हूँ तो मुझे खेलना ही नहीं जमता है, और जब मैं मोबाइल से पीसी में जाता हूँ तो उसमें भी खेलना नहीं जमता है। तो आप एक साथ 2 चीजों को मैनेज नहीं कर सकते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं आपको बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये बंदा लिटरली इनसेन था आज से 3 या 4 साल पहले, मोबाइल लेजेंड था। ये कहना गलत नहीं कि राइस्टार से भी ऊपर था ये बंदा गेम प्ले के मामलों में। अब बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ। वेल गाइस ये बंदा इकलौता ऐसा बंदा है जिसने इंडिया में 100 लेवल सबसे पहले किया था, और कुछ टाइम के लिए इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में इस बंदे का क्रेज बहुत ज्यादा शुरू हो गया था कि भाई बंदा पहला है जिसने 100 लेवल कंप्लीट किया। बट द थिंग इज आप एक ही चीज को कितनी बार दिखाओगे लोगों को। मैंने एक बार 100 लेवल कंप्लीट किया, ठीक है लोग सरप्राइज हो गए एक बार देख लिए, हाँ सबको पता चल गया कि इस बंदे ने 100 लेवल कंप्लीट किया है, लेकिन आगे और क्या, आप कितनी बार अपने लेवल की वजह से कंटेंट बनाओगे? सेम ऐसा ही होता है इस बंदे के साथ। इस बंदे का नाम है आइस कोल्ड FF। ये बंदा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इस बंदे ने सबसे पहले इंडिया में 100 लेवल कंप्लीट किया था। जहां लोगों को 70 लेवल करने में चड्डी फट जाती है, इस बंदे ने उस टाइम पे 100 लेवल कंप्लीट कर लिया था। और आज के टाइम पे इनके YouTube चैनल पे नजर डाले तो भाई ये बहुत ज्यादा ही इनएक्टिव रहते हैं। इसमें समझ सकता हूँ, कंटेंट ना हो तो बंदा क्या ही करेगा, और ऊपर से जो करियर है गेम वो भी बैन है, तो आपके लिए अंदर से मोटिवेशन आएगा तो आएगा कहां से। और ये बंदा फेमस इसलिए इतना हुआ था क्योंकि इसने डैडी कॉलिंग को क्रॉस कर दिया था लेवल के मामलों में। आज से 3 साल पहले डैडी कॉलिंग बहुत ज्यादा ही हाइप में था, बहुत से लोगों ने डैडी कॉलिंग को लेवल के मामलों में क्रॉस किया, लेकिन नेम और फेम सिर्फ एक ही बंदे को मिला जो है आइस कोल्ड FF। बट आज के टाइम पे किसी को परवाह नहीं है कि भाई तुम 100 लेवल कंप्लीट करो या फिर 200 लेवल, और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि आज के टाइम पे किसी को परवाह क्यों नहीं है। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर की तरफ। गाइस 3rd नंबर में जो बंदा आता है वो आई डोंट थिंक आप लोगों को पता होगा। बंदे आज से 4 साल पहले फ्री फायर खेलते ना, आई एम डैम श्योर सिर्फ उन लोगों को पता होगा, क्योंकि इस बंदे ने फ्री फायर से अपना मन आज से 4 साल पहले ही गवा दिया था। मतलब कह सकते हैं कि आज से 4 साल पहले इस बंदे ने अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया था फ्री फायर गेम के अंदर, जिस वजह से धीरे धीरे इसने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया। और ये जो आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो ये आज से 4 साल पहले का है। आप मानोगे नहीं, 4 साल पहले भाई किसी को गन पकड़ना तक नहीं आता था, लेकिन इस बंदे का गेम प्ले देखो आप। मिस आप तो एक मिनट के लिए सोच पड़ गए हो कि भाई ये
बंदा है कौन जो कि 4 साल पहले इतना ज्यादा ओवर पावर खेलता था? Well, इस बंदे का नाम है शीरो। अब देखो, अगर आप भी अभी तक फ्री फायर खेल रहे हो पिछले 4-5 सालों से, तो आप लोगों को पक्का पता होगा इस बंदे के बारे में। पर्सनली मेरी कहानी बताता हूँ कि मैं इस बंदे को जानता कैसे। देखो यार, जब मैं नया नया फ्री फायर खेलना शुरू किया था तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था कि मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कैसे कर सकूं। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को देखा करता था। इंडिया से आता है विलन गेमिंग और बाहर कंट्री से M10 एंड शीरो। इन तीनों में कंपैरिजन करें तो मुझे सबसे ओवर पावर्ड गेम प्ले लगता था वो है शीरो का, क्योंकि यार ये बंदा लिटरली इनसेन था। जहां उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी बॉडी करके बंदों को मारा करता था, ये बंदा उस टाइम पे भी बहुत ही रेड नंबर मारा करता था, पूरा हेडशॉट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया कि इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल से इंटरेस्ट खोना 4 साल पहले ही शुरू कर दिया था। तो आज के डेबे आप इससे क्या ही उम्मीद रख सकती हो? ये कभी फ्री फायर खेलता है, कभी BGMI खेल लेता है, कभी कोई और गेम खेल लेता है। इस बंदे को मैं पर्सनली जानता तो नहीं हूं यार, लेकिन इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट आज भी मेरे दिल के अंदर है, क्योंकि यार इतना ज्यादा ओवर पावर्ड गेम प्ले होना 4 साल पहले के टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये 4 साल से रोज रोज गेम खेल रहा होता तो आज के टाइम पे इसका गेम प्ले कैसा होता मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। वेल, अगर ये वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग आजकल बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, तो क्यों भाई क्यों करते हो कंजूसी, लाइक कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो GWMS चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज सर्च कर लेना GW_Manish, वहां पे आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग रील्स देखने मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे, और आप वहां पे मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, इंडिया का शॉटगन किंग, इंडिया का ऐसा प्लेयर जिसके सामने शॉटगन में कोई टिकता ही नहीं था। अगर आज से 3 या 3.5 साल पहले मैं इस सेंटेंस को बोलता तो आपके मन में एक ही बंदे का नाम आता, और मुझे पता आप किसका नाम सोचते हैं। वैसे आप अभी किसका नाम सोच रहे हो ये मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे भी जानना है कि आप सही सोच रहे हो या फिर गलत। लेकिन आज 2023 में जब मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं तो आपके माइंड में किसी का नाम नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत सारे लोगों का नाम आएगा और शायद वो सबके सब गलत होंगे। ये बंदा जिस वजह से फेमस हुआ है, इस बंदे ने उसी चीज को करना छोड़ दिया, और ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि जिस बंदे को जिस जगह सपोर्ट मिलेगा वो बंदा वही जाएगा। आज के टाइम पे ये बंदा क्या कर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी गेम प्ले वीडियो अपलोड करता है तो कभी कुछ करता है, कभी लाइव स्ट्रीम कर लेता है, कभी गिल्ड टेस्ट ले लेता है। थोड़ा मुश्किल है जज करना कि एक्चुअली भैया जी आप कर क्या रहे हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुदीप सरकार की, और सुदीप सरकार ने अभी अभी अपना कंटेंट स्विच नहीं किया है, ये कंटेंट स्विच के 1.5 से 2 साल हो चुका है। सुदीप भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको जिस कहना चाहता हूँ कि पहले के टाइम पे आपके गेम प्ले में जो मजा था ना वो आज के टाइम पे नहीं होता। मैंने M10/14 चलाना आपकी वीडियो को देख के ही सीखा था, बट सैडली अब मैं जरा कुछ और कहना नहीं चाहता। वैसे गाइस आप लोगों में से कितने सारे लोग सुदीप सरकार को पहले से ही जानते थे ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब गाइस फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, और इस बंदे को हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में कोई नहीं जानता हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। इस बंदे को फ्री फायर कम्युनिटी का हर एक बंदा जानता है। जो बंदा ऐसा बोल रहा है कि मैं इस बंदे को नहीं जानता, मतलब वो बंदा झूठ बोल रहा है। लेवल पुश करना, लाइक पुश करना, ये सब तो अलग बात होती लेकिन है, लेकिन अगर लेवल पुश का ट्रेंड ला दे तो क्या बात हो। क्योंकि आप सभी को ये तो पता होगा अगर हमारा लेवल 70 है तो 71 करने के लिए हमारी चड्डी फट जाती है। नॉर्मल प्लेयर को 70 लेवल से 71 लेवल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वही मेहनत करके इस बंदे ने अपना नाम हासिल किया है। इस बंदे के नाम पे पहले एक टैग हुआ करता था, इंडियाज हाईएस्ट लेवल प्लेयर। बहुत बंदे पीछे से ऐसे आए जिन्होंने इस बंदे के नाम से वो टैग हटाने की कोशिश की। कुछ लोग कामयाब तो हो गए लेकिन इस बंदे के नाम को भुला नहीं पाए। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डैडी कॉलिंग की, डैडी कॉलिंग बहुत ज़रा स्ट्रगलिंग यूट्यूबर है और बहुत ज़रा स्ट्रगलिंग प्लेयर भी है, क्योंकि पहला जो अकाउंट है डैडी कॉलिंग का इंडियाज हाईएस्ट लेवल प्लेयर वाला वो पहले बैन हो गया था, फिर अनबैन हुआ, देन उसके बाद एक और बार बैन हो गया, फिर अनबैन हुआ, फिर इनका FB डिसेबल हो गया, और इनका FB डिसेबल ऑलमोस्ट 10 महीने के लिए था। तो आप समझ सकते हो 10 महीने तक अगर अकाउंट खेला नहीं जाएगा तो लेवल आगे बढ़ेगा ही नहीं। रिसेंटली इनका जो FB डिसेबल हुआ था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, मतलब आप इनके दुख दर्द को समझ सकते हो दोस्तों। आज के टाइम पे डैडी कॉलिंग क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता, भले उनके नेम का एक ब्रांड जरूर बन गया, लेकिन मेन चीज लोग जिस वजह से उनको जानते हैं अब घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई 100 लेवल करे या फिर 200 लेवल। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्ची है। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।